मार्केट का धुरंधर हम उसको बोलते हैं जो केवल 1 लाख रुपए लेकर आए और उससे कम से कम 10 लाख या 50 लाख बनाकर निकले, तो वो तो हो गया शेयर मार्केट का धुरंधर। ऐसा नहीं कि कोई बंदा 50 लाख रुपए लेकर आता है और 10,000 रुपए लेकर के जाता है तो प्लेयर तो बड़ा, प्लेयर बड़ा किसको बोलेंगे आप? मतलब जो बंदा 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में लेकर आया, आप उसको बड़ा प्लेयर बोलेंगे? नहीं दोस्तों, आप उसको, हमें मतलब उसको बड़ा प्लेयर बोल रहे हैं आप, या हम उसको बड़ा प्लेयर बोल सकते हैं जो केवल 10,000 रुपये लेकर आया था और उससे 1 लाख रुपये 10 लाख रुपये बना करके जा रहा है शेयर मार्केट से, वो होता है बड़ा प्लेयर। ठीक है, प्लेयर तो वही हुआ ना भाई। शेयर मार्केट में आप कितने भी रुपये लेकर आया हो, ये इतना गहरा कुआ है कि ना तो ये भरेगा, ना तो कोई इसको भर सकता है और ना ही कोई इसको खाली कर सकता है। ये एक ऐसा कुआ है दोस्तों। सो ऐसी कंपनी है, मैं BCL एंटरप्राइजेस की लिमिटेड के बारे में बात करने वाला हूँ। इसका मैं आपको बहुत ही अच्छी मतलब कंपनी लगी है मेरे को, फंडामेंटली मैं इसको चेक करूँगा। और जो लोग पहले शेयर में मोटा पैसा डाल देते हैं ना और फंस जाता है फिर बाद में रोते हैं, सो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी शेयर में आपको पैसा डालना ही है मोटा, तो वो स्ट्रॉन्ग शेयर होना चाहिए, उसमें कुछ अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तब आप डाल सकते हो। सो ये कुछ ऐसा ही शेयर है जो कि बहुत ही अच्छी सी कंपनी है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी एक वीडियो से मुझे सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। BCL फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1988। द कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एंड प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांस। ठीक है, सो यहाँ पर आप बात करते हो 49 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। इस चीज़ को हमेशा रखना, केवल 49 करोड़, केवल 49 करोड़ का मार्केट कैप है, पहली शेयर है, बहुत छोटा। स्टॉक का PE 7 रुपये बहुत ही अच्छा है और ROCE 40 है और ROE दोस्तों 33% है। मतलब कंपनी कमा के कितना दे रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो और बुक वैल्यू देखो 13 रुपये, करंट प्राइस है 4। तो कंपनी इस टाइम पर ना बहुत ही डिस्काउंटेड लेवल पर मिल रही, बहुत ही डिस्काउंटेड, और पैनी शेयर है। ठीक है, और यहाँ पर मतलब अभी तक इसका फंडामेंटल सबसे स्ट्रांग है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे आगे बात करते हैं। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट। ठीक है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 84% का CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर से दोस्तों, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये इसके कॉम्पिटिटर हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फंडर। और यहाँ पर आप देखोगे शेयर्स में क्या ग्रोथ है, तो 0.12 से इसकी शेयर्स हो गई है अभी 9.19 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। उससे पहले इसमें देख सकते हो आप 90 करोड़ का भी हुआ था। और प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट में देख सकते हो, अभी कंपनी छोटी है सो नेट प्रॉफिट क्वार्टर वाइज नहीं हुआ है यहाँ पर। और ईयरली वाइज देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो 0.08 से 39 करोड़। और यहाँ पर आप देखते हो नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, तो हाँ ईयरली वाइज दोस्तों, क्वार्टरली वाइज किसी कंपनी को लॉस हो सकता है अगर, लेकिन ईयरली वाइज नहीं होना चाहिए। ईयरली वाइज कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, और रिजर्व की बात करते हैं, तो कंपनी के पास 10 करोड़ के लगभग रिजर्व पड़ा हुआ है। बोरोइंग कंपनी के पास 0 है, डेट फ्री बिल्कुल। और यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 3% और पब्लिक की होल्डिंग है 96%। सो दोस्तों पैनी शेयर है, पैनी शेयर में अगर सारे पैरामीटर्स सही मिल जाएं तो ऐसा तो किसी शेयर में होता नहीं है। तो इसमें मेरे को सबसे खराबी जो चीज़ मिली वो मिली मेरे को प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम है, बाकी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी लग रही है। और मैं इसके चार्ट की तरफ ले चलूँगा आपको। सो यहाँ पर आप देख पाओगे कि कंपनी ने अभी तक क्या रिटर्न निकाल के, आज के दिन भी देखो गिरावट में भी 5% का इसमें सर्किट लगा हुआ है। और मैक्सिमम चार्ट ओपन करके देखता हूँ तो कंपनी 60% की गिरावट है। और यहाँ से आप देखोगे कंपनी आई थी हमारी 2017 में 10 रुपये इसमें, और इसने 2022 तक पैसे को 5 गुना कर दिया था। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि केवल 49 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, सो पैनी शेयर है दोस्तों। ऑब्वियसली ऑपरेटर्स का खेल होगा इसमें, और आप देख सकते हो इसके चार्ट को कि कभी कितना ऊपर कभी कितना नीचे एकदम से, सो फर्स्ट बहुत बुरी तरह से सकते हो। बाकी फंडामेंटली आप स्ट्रॉन्ग है, आप इसमें कुछ क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो, जैसे 1,000-2,000 रुपये लगा के छोड़ सकते हो। तो जब रिटर्न देता है तो छप्पट फाड़ के रिटर्न देता है। ठीक है, सो ब्लाइंडली बिलीव किसी पर नहीं करना है और मोटा पैसा नहीं लगाना है। बहुत ही छोटा शेयर है, बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो, रिटर्न भी काफ़ी अच्छा देगा तो फंसा भी बहुत बुरी तरीके से सकता है।
सो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब करना जरूर बनता है। सो चलते अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।